भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान एवं सक्रिय नेता श्री जीवन शर्मा को धुंधर का जिला मंदसौर से भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु घनश्याम लोहार, मंडल महामंत्री, युवा मोर्चा धुंधर का मंदसौर। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा में देश की पहली एक ऐसी सुंदर जेल बनाई जाएगी जहां पर सारे कैदियों को रखा जाएगा, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग अलग होगी और उसी एक जगह पर जिला जेल, सेंट्रल जेल, महिला जेल और उसके अलावा ओपन जेल भी होगी जिसमें अलग अलग कैटेगरी के कैदियों को रखा जाएगा। सुधार गृह के माध्यम से सुधार कार्य भी उनसे कराए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर उनसे मेहनत भी कराई जाएगी। दैनिक कार्य जो उनके होते हैं वो भी इस दौरान होंगे। देश की पहली ऐसी जेल यहां पर बनाई जाएगी जो कि पूरे भारत की सबसे खूबसूरत जेल होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज एक नवीन जेल परिसर का शिलान्यास किया गया है और ये बिल्कुल नवाचार से युक्त एक नवीन जेल परंपरा का आज प्रारंभ है, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसमें हमें 224 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है और इसके अंतर्गत हम केंद्रीय जेल, जिला जेल और ओपन जेल बनाएंगे और जो बहुत ही आधुनिक होगी, जिसमें सारी सुरक्षा के साधन और जो सारे उसके जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं वो अत्याधुनिक होगी और बहुत ही अच्छा परिसर हम लोगों का होगा। और इसमें खुली जेल का एक कॉन्सेप्ट डाला गया है जिसमें जो बंदी हैं वो परिवार के साथ अपनी शेष सजा काटेंगे, उनके लिए अलग अलग कॉटेज बनाए जाएंगे और उस कॉटेज में रहेंगे और रोज़गार हम उनको उपलब्ध कराएंगे और वो अपने परिवार के साथ रह के शेष सजा अपनी पूरी करेंगे। जो जेलों का कॉन्सेप्ट है वो निश्चित रूप से काफ़ी पुराना है और ब्रिटिश लीगेसी का ही एक पार्ट है। ब्रिटिश ज़माने में हिंदुस्तान में जितनी जेलें बनी वो सभी काफ़ी पुरानी हैं और छिंदवाड़ा जिला जेल जो इस समय वर्तमान में संचालित है ये भी 1883 की है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो गई। हर बिल्डिंग की एक कैपेसिटी होती है, अपराध बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई, पर बिल्डिंग हमारे पास नई नई थी और शहर के बीचों बीच आ चुकी थी और निश्चित रूप से अब हमारा कंसेप्ट टोटल बदल चुका है। अब पनिशमेंट की जगह करेक्शन की पॉलिसी है, यानी कि दंड के सुधारात्मक सिद्धांत की ओर हम चल रहे हैं। तो हमारे पास इतना स्पेस होना चाहिए कि हम उनको योग करा सकें, नशा मुक्ति केंद्र खोल सकें, उनको हम स्किल डेवलपमेंट का काम करा सकें, महिलाओं के लिए सेपरेट व्यवस्था हो, युवा अपराधियों को जो है उनको अपराध की दुनिया से बाहर निकल करके अन्य सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सके। तो एक बहुत बड़ी नीड थी एक बड़े स्पेस की, नए कंसेप्ट की और मुझे बताते हुए बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से ये हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जेल बनने वाली है, क्योंकि अभी तक ये प्रिजन कॉम्प्लेक्स का जो कंसेप्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल, फीमेल जेल और ओपन जेल, इन चारों को क्लब करके कहीं नहीं बनाया गया है और ये इंडिया में पहली बार हो रहा है भारत में कि एक साथ क्लब करके इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जेल, यानी हार्डकोर क्रिमिनल से लेकर के बिल्कुल सहज अपराधी और वर्गीकरण के आधार पर जेल बनने जा रही है। लगभग कितनी लागत का ये जेल है? लगभग 224 करोड़ की लागत की ये जेल बन रही है जिसका परिक्षेत्र 120 एकड़ होगा।